हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 10 फॉर द मंथ ऑफ मई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 9, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च गेन्स GAINS 2023 इन कोलकाता वेस्ट बंगाल टू प्रमोट इनोवेशन इन शिप बिल्डिंग्स बाय स्टार्टअप। सो रिसेंटली यहाँ पे जो हमारे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स है, इन्होंने इस स्कीम को जो है लॉन्च किया है, जिसका नाम है GRSE एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम। जिस स्कीम के तहत जो स्टार्टअप्स हैं इनको इन्वाइट किया जाएगा, जिसमें स्टार्टअप्स जो हैं जो अपने अच्छे अच्छे आइडियाज हैं ये इनके साथ शेयर करेंगे, और जो आइडिया सबसे अच्छा इन्हें लगेगा, या आप कह सकते हो अच्छे आइडियाज को ये अपने पास रखेंगे, एंड यहाँ पे ये जो है उनको रिवॉर्ड भी देंगे। मैक्सिमम यहाँ पे जो रिवॉर्ड रखा गया है वो 5 लाख तक का रखा गया है, ठीक है, अप टू 5 लाख तक का प्राइस यहाँ पे दिया जा सकता है इनको, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब इस स्कीम को लॉन्च किसने किया था, इट वॉज लॉन्च बाय दी जी सूर्य प्रकाश, जो असिस्टेंट मैनेजर है आपके गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स में, ठीक है। और जो हमारी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स है, ये कंपनी आपकी कैटेगरी 1 मिनी रत्ना भी है, ठीक है, इट इज अ कैटेगरी 1 मिनी रत्ना, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। और इसके चेयरपर्सन कौन है, इनका नाम है PR हरि, ठीक है, चेयरपर्सन है इसके PR हरि, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, इंडिया लॉस्ट ओवर 1.3 लाख लाइफ्स इन डिजास्टर्स लिंक्ड टू एक्सट्रीम वेदर क्लाइमेट चेंज इन बिटवीन 1970 एंड 2021। द डेटा इज रिलीज बाय विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से कौन सी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस डेटा को रिलीज किया है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, इट इज इन दी जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या नोट करना है, ग्लोबली अगर बात करें तो ग्लोबली टोटल 11,778 जो डिजास्टर हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें अगर हम डेथ की बात करें तो कितने लोगों की डेथ्स यहाँ पे हुई है, 2 मिलियन पीपल की यहाँ पे डेथ हुई है। और इकोनॉमिक लॉसेस की बात की जाए तो 4.3 ट्रिलियन US डॉलर का यहाँ पे इकोनॉमिक लॉस हुआ है इस पीरियड के दौरान, ठीक है, 1970 से 2021 की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा करंटली जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस जो है, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस, ठीक है, इसका अभी 19th सेशन जो है वो चल रहा है, 22 मई को शुरू हुआ था और ये आपका खत्म कब होगा, 2 जून को, तो ये सेशन चल रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पे और क्या पूछा जा सकता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, इनका नाम क्या है, प्रोफेसर पैट्रिक टैलिस, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है, ये स्टैटिक क्वेश्चंस है, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद NPCI टू इंटीग्रेट रुपे क्रेडिट कार्ड्स विद अ UPI। सो इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने NPCI के साथ पार्टनरशिप की है इंटीग्रेट करने के लिए UPI पे क्रेडिट कार्ड विद द UPI, ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, इट इज दी गूगल पे, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गूगल पे। और गूगल की पेरेंट कंपनी कौन है, अल्फाबेट, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है अल्फाबेट का, तो ये आपका यूएसए में है, कैलिफोर्निया यूएसए में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, रिसेंटली इन मे द पब्लिक सेक्टर बैंक्स टोटल प्रॉफिट रीच रुपीज 1,04,649 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2023। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैड द हाईएस्ट नेट प्रॉफिट ग्रोथ विद 126% टू रुपीज 2,602 करोड़। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट में से सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन से बैंक का है यहाँ पे, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, ठीक है, विच इज फॉलोड बाय यूको बैंक, देन बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड जो पंजाब नेशनल बैंक है, इसको भी फायदा हुआ है, बट अगर लास्ट ईयर से हम कंपेयर करें तो यहाँ पे इसको जो प्रॉफिट हुआ है वो कम हुआ है, बहुत कम हुआ है, या बोल सकते हो इट इज ओनली 27%, ठीक है, वेयर एज यूको बैंक को जो है 100% यहाँ पे जो है प्रॉफिट देखा गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा का 94% एंड आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 59% यहाँ पे जो है प्रॉफिट देखा गया है, ठीक है। इसके अलावा स्टैटिक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इंडिया में एट प्रेजेंट कितने आपके पब्लिक सेक्टर बैंक जो है अभी करंटली वर्क कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि जो आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो कितने हैं। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ऑफ IIT कानपुर
साइन एन एमओयू विद विच बैंक टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द स्टार्टअप इंक्यूबेटेड एट SIIC, ठीक है। सो कौन से बैंक के साथ ये एमओयू साइन किया गया है? बाय द स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, येस बैंक के साथ ये जो है एमओयू साइन किया गया है। अब एमडी एंड सीईओ कौन है येस बैंक के? तो इनका नाम क्या है? प्रशांत कुमार, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में है। एंड इसकी टैगलाइन जो है वो पूछी जा सकती है, एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज, ठीक है। एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मई द आरबीआई बोर्ड अप्रूव ट्रांसफर ऑफ रुपीज डैश करोड़ एज सरप्लस टू द गवर्नमेंट गवर्नमेंट एट द 602nd आरबीआई सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। सो आरबीआई के जो सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई थी, जिसके चेयरपर्सन आपके जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांता दास वो थे, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने कितना एलोकेशन दिया है गवर्नमेंट को, सरप्लस एलोकेशन? सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, इट इज योर 87,416 करोड़, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ साथ यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया है कि ये कंटिजेंसी रिस्क बफर जो है वो इंक्रीज करेंगे। इसे कितना कर दिया है इन्होंने? 6% कर दिया है, और पहले ये 5.5% आपका हुआ करता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च द लाइव वीडियो कॉलिंग सर्विस एंड लाइव वेब चैट फैसिलिटी फॉर देयर कस्टमर्स। सो अपने कस्टमर्स के लिए इनमें से कौन सा ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिन्होंने ये सर्विसेज जो है वो लॉन्च की है? सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई, बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसे लॉन्च किया है, और इसी के साथ ये पहला ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक बन जाता है जिसने इस टाइप के सर्विसेज अपने कस्टमर्स को जो है प्रोवाइड की है, ठीक है। अब यहाँ पे एमडी एंड सीईओ की बात कर लेते हैं। एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है एट प्रेजेंट कौन है? संजीव चड्ढा, ठीक है। संजीव चड्ढा इनका नाम है। बट रिसेंटली आपने न्यूज में भी देखा होगा कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इन्होंने नए एमडी एंड सीईओ जो है अपॉइंट किए हैं, जिनका नाम क्या है? देवदत्ता चंद। क्या नाम है? देवदत्ता चंद, ठीक है। अब इनका जो आपका टेन्योर है ये आपका 1 जुलाई से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो करेंटली जो पूछा जाएगा क्वेश्चन तो वो संजीव चड्ढा होगा, ठीक है। अगर ये पूछा जाएगा न्यू अपॉइंटमेंट की गई है तो फिर आपका देवदत्ता चंद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, Which international organization has launched the global network named the International Pathogen Surveillance Network, that is IPSN, to detect and prevent infectious diseases threat? So, कौन सी organization ने जो है इसे launch किया है? So, answer बहुत easy है, World Health Organization ने, जिसका headquarter आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अब यहाँ पे basically जो pathogen है, pathogen genomics जो होता है वो क्या होता है? ये आपका जो वायरस होता है उसका जेनेटिक कोड को जो है एनालाइज करता है कि वायरस हो गया या बैक्टीरिया जो हो गया, ठीक है, कि वो कैसा बिहेव करेगा, ज्यादा खतरनाक तो नहीं है, या वो कैसे स्प्रेड कर रहा है। तो इन सब चीजों का एनालिसिस कौन करता है? आपका पैथोजन जिनोमिक्स, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जैसे COVID-19 था तो उसका जो वायरस था उसको एनालिसिस करना कितना खतरनाक है या कैसे स्प्रेड होएगा, ये सब कौन करता है? पैथोजन जिनोमिक्स के अंदर ये आता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी नैनी एरोस्पेस इंजीनियरिंग लिमिटेड, सब्सिडी जो है आपकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, इन्होंने जॉइंट डेवलपमेंट पार्टनरशिप जो है साइन की है, किस चीज के लिए? फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ ड्रोन्स, ठीक है। तो कौन सी कंपनी के साथ की है? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गरुड़ा एरोस्पेस के साथ। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, जो फर्स्ट ईयर होगा इस पार्टनरशिप का उसमें ये अराउंड 5,000 जो ड्रोन्स है उसको इन्होंने प्लान किया है कि उसे डेवलप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका गरुड़ा एरोस्पेस है इसका हेडक्वार्टर पूछा सकता है, ये कहाँ लोकेटेड है? इन दी चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है। वेयर इज जो आपका नैनी एरोस्पेस इंजीनियरिंग है इसका हेडक्वार्टर आपका जो है प्रयागराज में, ठीक है। कहाँ पे? प्रयागराज में। और इसके जो आपके सीईओ हैं, ठीक है, नैनी एरोस्पेस इंजीनियरिंग के सीईओ कौन है? इनका नाम क्या है? आर आर ठाकुर। क्या नाम है इनका? आर आर ठाकुर। और गरुड़ा एरोस्पेस के कौन है? अग्निश्वर जयप्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द बैंक दैट हैज कोलैबोरेटेड विद द रेड हैट टू रीडिफाइन मोबाइल बैंकिंग एक्सपीरियंस। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसके साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन किया गया है इस कंपनी के द्वारा? तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज द येस बैंक। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, येस बैंक। एमडी एंड सीईओ आप सभी को पता है, अभी रिसेंटली डिस्कस किया, प्रशांत कुमार, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मई द कॉमनवेल्थ फाउंडेशन अनाउंस्ड 2023 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज रीजनल विनर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी विल बी ऑनर्ड विद द कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज फॉर देयर स्टोरी ओशंस अवे फ्रॉम माई होमलैंड। सो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एग्नेस च्यू, जो आपके सिंगापुर एशिया रीजन के हैं, ठीक है। उन्होंने
कौन सी स्टोरीज के लिए इन्हें जो है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज दिया जाएगा, ओशंस अवे फ्रॉम माय होमलैंड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें दो टाइप के यहाँ पे विनर हैं, एक तो आपके रीजनल विनर हैं, ठीक है, जिनके लिए जो प्राइज मनी है वो कितना रखा गया है $2,500 का, वेयर एज एक होते हैं आपके ओवरऑल विनर, ठीक है, ये अभी अनाउंस नहीं किया गया है, और इनके लिए जो आपका अवार्ड है जो रिवॉर्ड है वो कितना है $5,000, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा प्राइस सेरेमनी जो है वो आपकी कब हेल्ड होगी, तो ये 27 जून को होगी, ठीक है, 27 जून 2023 को, और ये कौन सा एडिशन होगा, इट विल बी द 12th एडिशन, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो इंडियन राइटर है विधान वर्मा, इनकी स्टोरी को भी शॉर्टलिस्ट किया गया था यहाँ पे अ ग्रूम लाइक शाहरुख के लिए, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो बाकी आपके राइटर्स हैं उनके यहाँ पे स्टोरी देख लेते हैं, द अंडरटेकर अप्रेंटिस जो आपके हैना गोमैन ने जो है लिखी है, नेक्स्ट इज लीच प्रिंस एंड नाइस थिंग्स जो किसने लिखी है, रू बालराय यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, जो बिलोंग करते हैं यूनाइटेड किंगडम से, नेक्स्ट इज क्वामे मैकफर्सन जो जमैका के हैं, जिन्होंने कौन सी शॉर्ट स्टोरी लिखी है, ओसी, ठीक है, नेक्स्ट आपकी शॉर्ट स्टोरी है किलिनोची जो किसने लिखी है, हिमाली हिमाली मैकिन्स जो न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क अपॉइंटेड विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, सो रिसेंटली सोनी स्पोर्ट्स ने जो है अपने एम्बेसडर जो है वो अपॉइंट किए हैं, उनका नाम क्या है, सानिया मिर्जा, ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दैट इज सानिया मिर्जा, एंड रिसेंटली सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने जो है कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, द होम ऑफ टेनिस, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके अलावा सानिया मिर्जा जी को कौन से प्राइस दिए गए हैं वो भी आपको नोट करना है, जैसे 2004 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था, देन 2006 में पद्मश्री, 2015 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, नेक्स्ट आपका है 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है, ये सारी चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है द एंडेंजर्ड स्पीशीज डे 2023 वॉज ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन, सो जो आपका एंडेंजर्ड स्पीशीज डे जो है वो मई के थर्ड जो फ्राइडे होता है उस दिन मनाया जाता है, ठीक है, ऑन द थर्ड फ्राइडे ऑफ मई, ठीक है, ये ऑब्जर्व किया जाता है, और इस बार इस साल इसे 19 मई को ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ इसकी थीम क्या है, सेलिब्रेटिंग द 50th एनिवर्सरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट, ठीक है, अब ये जो एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट है ये 1973 एक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JSW स्टील लिमिटेड फॉर्म्स जॉइंट वेंचर कंपनी विद द JFE स्टील कॉर्पोरेशन टू मैन्युफैक्चर CRGO दैट इज कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, ठीक है, क्या इसका फुल फॉर्म है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स इन इंडिया, जो बेसिकली इसकी जो फैसिलिटी है वो कहाँ पे लगाई जाएगी, विजयनगर कर्नाटका में। द JFE इज अ सेकेंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ विच कंट्री, सो कौन सी कंट्री की ये सेकेंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंट्री मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज इट इज द कंपनी ऑफ जापान, ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ये चीज ध्यान में रखना है, और ये पहला ऐसा जॉइंट वेंचर है जो प्रोड्यूस करेगा आपका कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स को, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हैज कमीशन एन इनिशिएटिव जिसका नाम है NEP सारथी टू इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन अ इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, वॉट डज सेकेंड ए स्टैंड फॉर इन अ सारथी, इससे पहले हम नोट कर लेते हैं जो UGC है, अभी हमने रिसेंटली जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी पढ़ा था, UGC ने रिसेंटली एक पोर्टल जो है वो आपका लॉन्च किया था, उस पोर्टल का नाम क्या था, उत्साह पोर्टल, ठीक है, क्या पोर्टल था, उत्साह पोर्टल, जिसे किस लिए लॉन्च किया गया था, ताकि जो हायर एजुकेशन स्टडीज हैं उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो इंप्लीमेंट कैसे की जा रही है या उसकी क्या प्रोग्रेस है, इसको मॉनिटर करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था, ठीक है, याद आया ये सब, पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या बोला है, इन्होंने एक और एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड, ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, स्टूडेंट एम्बेसडर फॉर एकेडमिक रिफॉर्म्स इन अ ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एकेडमिक, ठीक है, सेकंड है हेयर स्टैंड फॉर एकेडमिक, तो ये जो फुल फॉर्म होती है ये भी आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन इससे आता ही आता है, आपका फुल फॉर्म वाला एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज कैंसल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ 7 एनबीएफसीज, व्हिच अमंग द फॉलोइंग एनबीएफसी इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। सो आंसर यहां पे आपका क्या हो जाएगा, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, जो मुंबई महाराष्ट्र में मुंबई महाराष्ट्र की बेस्ड कंपनी है, इसे इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा आपके कौन सी कंपनीज हैं, के पटेल फाइनेंस लिमिटेड ग्वालियर एमपी, पूर्वी फिनवेस्ट लिमिटेड बिलासपुर छत्तीसगढ़, नेक्स्ट इज ईस्ट वेस्ट फिनवेस्ट इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये आपकी जो कंपनीज हैं ये तीन कंपनीज होगी, बाकी चार कंपनीज आपकी हैं, कॉर्क टी कंपनी लिमिटेड, त्रिमूर्ति फिनवेस्ट लिमिटेड, जेवी मोदी सिक्योरिटीज, जेनफिन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसके अलावा नोट करना है 14 एनबीएफसीज ने अपना जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो सरेंडर किया है किसे, आरबीआई को। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप आराम से सारे जो कंपनीज हैं इनका लिस्ट देख सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेबी हैज इंट्रोड्यूस्ड अ रिस्क डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क फॉर इंडिविजुअल ट्रेडर्स फॉर ट्रेडिंग इन एन इक्विटी फीचर्स एंड ऑप्शंस दैट इज एफ एंड ओ सेगमेंट, द फ्रेमवर्क वुड बी कम इनटू इफेक्ट और कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम डैश। सो कब से इसे जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये इफेक्ट में कब से आएगा, तो आंसर है इस ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 जुलाई 2023 से इसे इफेक्ट में लाया जाएगा। ठीक है, अब जो सेबी है, सेबी के चेयरपर्सन कौन है, मदाबी पुरीबुज, आप सभी को पता है। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, और इसे स्टैब्लिश कब किया गया था, तो 1992 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रिसेंटली इन मे टाइड एंड ट्रांसक्रॉप इंटरनेशनल लिमिटेड लॉन्च इंडियाज फर्स्ट रिसाइकल पॉलीविनाइल क्लोराइड दैट इज RPVC रुपे कार्ड अलॉन्ग विद द NPCI एंड MCT कार्ड्स एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। टाइड इज अ फिनटेक कंपनी ऑफ विच कंट्री, सो कौन सी कंट्री की ये फिनटेक कंपनी है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज अ यूनाइटेड किंगडम बेस्ड कंपनी। ठीक है, यूके की ये कंपनी है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा आपको नोट करना है टाइड इंडिया के CEO कौन है, इनका नाम है गुरजोत पाल सिंह। ठीक है, वेयरस ट्रांसकॉप की बात करें, ट्रांसकॉप इंटरनेशनल के आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गोपाल शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द प्लेटफॉर्म दैट हैज इंट्रोड्यूस बॉन्ड इन्वेस्टिंग ऑन इट्स प्लेटफॉर्म फॉर रिटेल इन्वेस्टर। सो इनमें से कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने इंट्रोड्यूस किया है बॉन्ड इन्वेस्टिंग, ठीक है, ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इसे जो है इंट्रोड्यूस किया है पेटीएम मनी ने। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इट इज द पेटीएम मनी, जिसके MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है वरुण श्रीधर। ठीक है, क्या नाम है इनका, वरुण श्रीधर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्मॉल कैप फंड इन अ यूलिप दैट इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान सेगमेंट विद एम ऑफ अ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन फॉर द कस्टमर्स। सो अपने कस्टमर्स के लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, क्या लॉन्च किया है, इंडिया का पहला स्मॉल कैप फंड, ठीक है, इन अ यूलिप। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा, कौन सी कंपनी ने इसे लॉन्च किया है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस ने इसे जो है लॉन्च किया है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस का, तो आंसर आपका है क्या है, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, एंड इसके एट प्रेजेंट CEO कौन है, इनका नाम है तरुण चोग। ठीक है, क्या नाम है, तरुण चोग। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा है इन्होंने, बजाज एलियंस लाइफ स्मॉल कैप फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मे विच अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च उद्योग प्लस एंड इनोवेटिव वन स्टॉप बिजनेस प्लेटफॉर्म फॉर MSME। ठीक है, तो इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी कंपनी है जिसने इसे लॉन्च किया है उद्योग प्लस को, सो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट वॉज लॉन्च बाय द आदित्य बिरला फाइनेंस, जो आपका सब्सिडरी है आदित्य बिरला ग्रुप की। ठीक है, आंसर क्या है आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द SpaceX सेंस एक्सियोम मिशन to International Space Station, which consists of a 4 crew members, including Rayana Barnavi, the first women to fly in a space from Dash. So, ये basically जो Rayana Barwani है, Barnavi है, ये कौन से आपके देश से belong करती हैं? So, answer यहाँ पे आपका हो जाएगा option number D, that is Saudi Arabia से. So, जो आपके 4 crew members थे, इसमें से 2 आपके USA के थे and 2 आपके Saudi Arabia के थे, जिसमें से Rayana Barnavi जो है, ये पहली women बनी है, पहली women astronaut बनी है सऊदी अरेबिया के जो स्पेस में गई है। ठीक है, नेक्स्ट आवर क्वेश्चन है, नेम द प्लेयर हु हैज वॉन द इटालियन ओपन 2023 मेन सिंगल कैटेगरी हेल्ड इन रोम इटली। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपके रशियन प्लेयर हैं, जिनका नाम है डेनियल मेडवेडेव। ठीक है, और इन्होंने डिफीट किसे किया है, डेनमार्क के प्लेयर को, जिनका नाम क्या है, होलगर रून। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ ये इनका पहला जो है ATP है, ATP टाइटल, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल टाइटल एट दी
ऑन दी क्ले कोर्ट, ठीक है। इसके अलावा बाकी अगर कैटेगरी देखें, वेमेन सिंगल की बात करें, तो यहाँ पे विन आपकी थी कजाकिस्तान की प्लेयर एलिना रेवेकिना, ठीक है। वेमेन्स डबल की बात करें तो स्टॉर्म हंटर एंड एलिस मेटन्स, जो बेल्जियम के प्लेयर हैं, इन्होंने यहाँ पे जो है जीत हासिल की थी। इसके अलावा मेंस डबल की बात करें तो विनर यहाँ पे कौन थे, हुगो नायस जो मोनाको के हैं एंड नेक्सियस जैन जेलेंस्की जो पोलैंड के हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली में गुलाबचंद कटारिया रिलीज अ बुक टाइटल पार्टीशन फ्रीडम ऑथर्ड बाय राम माधव, द गुलाबचंद कटारिया इज अ गवर्नर ऑफ विच स्टेट। सो कौन से स्टेट के गवर्नर है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही इज अ गवर्नर ऑफ असम, ठीक है। इसके अलावा जो आपके राम माधव हैं, ये एक इंडियन पॉलिटिशियन भी हैं और ये ऑथर भी हैं, इनकी लिखी हुई बाकी किताबें देखते हैं, जैसे अनइजी नेबर्स, इंडिया एंड चाइना आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ वॉर एंड असहज पड़ोसी, ठीक है। ये दोनों बुकें किसने लिखी हैं, राम माधव ने, और इसके साथ साथ ये जो है एट प्रेजेंट मेंबर भी है नेशनल एग्जीक्यूटिव ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे आपका कब मनाया जाता है, तो ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है ऑन दी 22nd of May, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 22nd of May, और इसकी थीम है आपकी फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, फ्रॉम अग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली इनमें इंडियन लॉन्ग जंपर साइली सिंह वॉन ब्रॉन्ज इन अ सीखो गोल्ड ग्रैंड प्रिक्स 2023 विच वॉज हेल्ड इन डैश। सो ये आपका जो ग्रैंड प्रिक्स था, ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था, कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया गया था, तो आंसर आपका हो जाएगा जापान में, योकोहामा इन जापान, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब यहाँ पे जो सैली सिंह थी, इनका थर्ड रैंक था, ठीक है, इन्हें ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। इसके अलावा अगर गोल्ड मेडल की बात करें तो मार्सिया लुजो जो आपके जर्मनी के प्लेयर हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और इनकी अगर हम जंप की बात करें तो इट इज योर 6.7679 मीटर्स, ठीक है। वेयर इज सिल्वर मेडल किसने जीता था, ब्रूक बशकुले जो आपके ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, और इनका अगर हम बात करें जंप का, इट इज योर 6.77 मीटर, फाइन। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल टी डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन। सो टी डे जो है आपका, ये कौन से दिन मनाया जाता है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 मई को, और सबसे पहला आपका जो टी डे है वो 2005 में मनाया गया था इन दी न्यू दिल्ली, ठीक है। इसके अलावा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसे ऑब्जर्व करती है, यूनाइटेड नेशन अलॉन्ग विद दी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो रोम इटली में, कहाँ पे है, रोम इटली, एंड इसके एट प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम क्या है, क्यू डोंग यू, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर कौन है, कौन सी कंट्री जो है वो लार्जेस्ट टी प्रोड्यूस करती है, सबसे ज्यादा टी आपके चाइना और इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, ये चीजें भी ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम्स इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एयर ट्रैवल टू पिलग्रिम्स अंडर दी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पहला स्टेट कौन सा बना है जिसने फ्री एयर ट्रैवल भी प्रोवाइड किया है, ठीक है, अंडर दिस स्कीम। सो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मध्य प्रदेश ने, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टेट दैट हैज लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कीम जिसका नाम है निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। अब किन लोगों के लिए इसे लॉन्च किया गया है, ये फ्री मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी स्पेशल चिल्ड्रन को, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, स्पेशल चिल्ड्रन को ये आपका जो है फ्री मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, ये वाली आपकी स्कीम, ठीक है। अब यहाँ पे इसे लॉन्च किसने किया है, जो विशाखापट्टनम का आपका डिस्ट्रिक्ट है, विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, वहां पे इसे जो है लॉन्च किया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आंध्र प्रदेश, इसी के साथ पहला स्टेट बन जाता है जिसमें इस टाइप की जो स्कीम है वो लॉन्च की है, ठीक है। अब सीएम कौन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्कीम जब आती है तो स्टैटिक इसके साथ क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो वाई एस जगनमोहन रेड्डी जो है इसके सीएम है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में या कौन से डिस्ट्रिक्ट ने इसे लॉन्च की है, विशाखापट्टनम ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब विशाखापट्टनम का आपका पुराना नाम क्या है, इसे जो है वाइजैक के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्टेट कैबिनेट ऑफ राजस्थान अप्रूव द फाइनेंशियल प्रपोजल ऑफ रुपीज 106.46 करोड़ फॉर डेवलपिंग ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज GIS बेस्ड 3D मॉडल ऑफ विच 4 सिटीज ऑफ द स्टेट। सो राजस्थान की कौन सी 4 सिटीज के लिए 3D मॉडल बेस्ड जो है आपका GIS बेस्ड सिस्टम जो है लाया गया है, तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर,
उदयपुर, कोटा एंड अजमेर, ये चार सिटीज के लिए जो है इस मॉडल को लाया गया है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।